चलिए बोर्ड का क्लियर दिख रहा है क्या? जी सर। ठीक है, कितना हुआ, 45 हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने यूनिट टेस्ट जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसका, तो उसमें टोटल मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में। वो तो 5ों क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में दिए हैं, अगर किसी स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वो टेस्ट के 5 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लिंक में 5ों क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर देना। कल से आप लोगों के प्रोग्रेसिव या मिड सेम स्टार्ट हो रहा है। 23rd को सेकंड हाफ में ट्रिपल ई का मिड सेम 1 है। जितना मैंने पढ़ाया है डेटा कनेक्टेड सिस्टम तक, फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक, पूरा फर्स्ट यूनिट का ही उसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं एसी और डीसी, पूरा आपको मिड सेम में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग मिड सेम की तैयारी करें। आज मैं क्वेश्चंस जो 3 छूट गए थे, कौन से क्वेश्चन जो यूनिट टेस्ट में दिए थे उसमें टोटल 5 दिए थे, तो 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने कल प्रोवाइड करा था, 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो ऊपर आप लोगों को ग्रुप पे एक लिंक डली है गूगल फॉर्म, गूगल की वीडियो लेक्चर की, आप उसको खोलते जाएंगे तो उसमें लेक्चर वाइज आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे कि आपको कौन सा लेक्चर देखना है। आप उसको क्लिक करो, आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। जैसे आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 90, तो आप लेक्चर नंबर 90 देखोगे तो आपको लेक्चर नंबर 90 पूरा मिल जाएगा। जब भी आप फ्री हो तो उसको लेक्चर्स को एक बार देख के पूरे क्वेश्चंस, पूरे टॉपिक एक एक रिवाइज करो, देखो। और नोट्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करे हैं यूनिट नंबर 1 के पूरे लेक्चर नंबर 17 तक, लेक्चर नंबर सॉरी 16 तक होंगी यूनिट 1, तो वो पूरे लेक्चर्स आप लोग अपनी कॉपी में उतार लो। फर्स्ट यूनिट में जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से मिड सेम में आएगा, मिड सेम जो होगा ऑनलाइन जो होगा आप लोगों को गूगल लिंक मिल जाएगी टाइम पे, और उसमें आपको क्वेश्चन पेपर भी रहेगा। क्वेश्चन पेपर में पीडीएफ फॉर्मेट में अलग से भी सेंड कर दूंगा ताकि पढ़ने में आ जाए। तो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा, आपको 1.5 घंटे में टोटल 5 क्वेश्चन उसमें सॉल्व करना है। ठीक है सर, आवाज सही से नहीं आ रहा है? नहीं सर, क्लियर है आवाज आ रही है। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम्स होगी बेटा, यहाँ पर ही आपके घर से दिक्कत आ रही है, तो इस चीज का ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को टॉपिक का ही पूरा टेस्ट में आएगा, कुछ अलग से नहीं है। फर्स्ट लेक्चर से लेके लेक्चर नंबर 16 तक, 16 कहाँ पर कंप्लीट हुआ है, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, वहां तक आपको पूरा पढ़ना है। हर टॉपिक एक बार देखते हुए चलना है। ये फर्स्ट मिड सेम के मार्क्स आपकी मार्कशीट में एड होंगे, जिसके 0 आएंगे तो 0 जाएगा, जिसके 1 आए तो 1 जाएगा, जिसके 20 में से 19 है तो वो 19 चले जाएंगे। इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी है, परसों वो टेस्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना यूनिट टेस्ट पे। यहाँ पर एक आपको सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसमें 2 बैटरी लगी है 10 और 20 की, और यहाँ 2 रेजिस्टेंस, एक Q2 के और एक रेजिस्टेंस है 4। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच ट्रांजिस्टर of the circuit is given below. इस क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया और ये बोला है कि इस सर्किट में करंट फाइंड करो, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। करंट में यहाँ I1 और इधर हम लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन में मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी आरजीपी का आया हुआ है। इसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि आपको KCL से फाइंड करना है कि KVL से। जो KCL होता है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि KCL से फाइंड करो, तो उसमें हम नोडल लगाएं। जब KCL बोला है तो हम नोडल लगाएंगे, और जब आपको ये KVL बोला है क्रम में तो वहां हम मेश, कौन सी मेथड लगाएंगे, मेश एनालिसिस। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में अगर आपको नोड वोल्टेज निकालने को बोला है, मान लो आप इसमें पहले KCL लगाएंगे फिर KVL लगाएंगे और दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन लिख लो,
डायग्राम बनाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तीन क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड पे जो बना है, इसमें तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो सर्किट में करंट निकालना है, मेंशन नहीं है केसीएल के केवीएल। दूसरा आता है कि केसीएल से निकालो, तो फिर केसीएल से फाइंड करेंगे, मतलब नोडल से फाइंड करेंगे। और अगर बोला है कि केवीएल लगा के सॉल्व करो, मतलब हम फिर मैश लगाएंगे। ठीक, डायग्राम बना लो जल्दी से आप लोग। क्लॉकवाइज दो चले सकते हैं, बिल्कुल बेटा, दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज मैंने लिया है, आपकी आसानी के लिए लिया है अभी ये मैंने। आप दोनों क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, बिल्कुल सही है। डायग्राम बनाइए जल्दी से, इक्वेशन बनाओ इसकी, जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया सेम वैसे के लिए इक्वेशन बनाओ। जितने अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं सबसे ये क्वेश्चन बनना चाहिए। नोड वोल्टेज भी बताऊंगा मैं अभी। किसी को कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, क्लास में नहीं पूछ पा रहा है तो बाद में पूछ लो मैसेज करके, लेकिन बिल्कुल आप लोग मोहम्मद मेराज रोल नंबर 48। मेराज? यस सर, यस सर। बेटा कल क्या हो गया था? सर थोड़ा तबीयत खराब था। आप ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा, रेगुलर रहो बेटा आप, है ना, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं हुई है, तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बेटा। ठीक, हाँ रेगुलर रहो। ओके, डायग्राम बनाइए जल्दी से, उसमें केसीएल लगाइए, केवीएल सॉरी केवीएल लगा के इक्वेशन बनाओ। कितनी बन रहा है? अनीस रोल नंबर 12। जी सर। बेटा कोई दिक्कत तो परेशानी तो नहीं है क्लास में, सब समझ में आ रहा है? जी सर आ रहे हैं समझ में, नोट्स वोट सब मिल रहा है अपन को प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं? जी सर मेरा आपकी डेट है सर नोट। नहीं नहीं मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है जल्दी से डायग्राम बना लो सर। हो गया? हाँ ठीक, एक मिनट वेट करो सर। सर और बाकी सर लोग ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे? बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में, वो आप सर कौन ऑफलाइन आया है? ए बेटा ऑफलाइन कोई आया है क्या आज? नहीं यहाँ तो अभी मेरे पास तो कोई नहीं आया। रंजन सिंह रोल नंबर 61। बेटा रेगुलर रहो, बाद में आपको दिक्कत होगी। रोल नंबर 72 शमसुल कमर, रेगुलर रहिए, बार बार बोल रहा हूँ, सेशनल तो काम होंगे ही होंगे, साथ में आपका पेपर भी बेक हो जाएगा। लास्ट में ये कौन है? शिरवांश दुबे, शिरवांश दुबे। श्रीनिवास दुबे है कोई? रोल नंबर मालूम है क्या? ये अपनी क्लास में है क्या ये स्टूडेंट्स? एनीवन कोई बताएगा मुझे? श्रीनिवास दुबे? ओ सर नहीं है लग, नहीं है अपनी यहाँ सर। किक मार दीजिए। कहाँ टिक मार? किक इसको। चलिए बना लिया आप लोगों ने? अब देखिए ये क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे।
स्टेप नंबर वन हमें इसको सॉल्व करना है पहले केवीएल से, फिर सॉल्व करेंगे केवीएल से। थोड़ा जल्दी चलेंगे। डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज दिया है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ बैटरी की वैल्यू कितने की थी? 20 की। साथ साथ करते चलना आप लोग भी, फटाफट आंसर बता देना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये बैटरी का निगेटिव है और हम देखेंगे पॉजिटिव का टेन। यहाँ इसमें वोल्टेज की वैल्यू लिखना है, हम देखेंगे माइनस 2i1। इसमें देखेंगे ये वाली करंट ऐसी डाउनवर्ड जा रही है और ये वाली भी करंट ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, मतलब इस करंट को इस रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड फ्लो हो रही है और ये वाली करंट भी कैसे डाउनवर्ड। तो यहाँ कितना होगा? माइनस 4, साथ में आएगा i प्लस 5। हाँ बेटा वीडियो बोलो, बोलो बोलो क्या बोल रहे? नो सर कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू में हम जीरो लिख देंगे। इसके बाद इस इक्वेशन को बनाएंगे, सेकंड वाले को कैसे बनाएंगे देखो। यहाँ पर होगा ये एरो इस नेगेटिव से टकरा रहा है, तो हम लिखेंगे 20। माइनस 2i2 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4, साथ में लिखेंगे i2 प्लस i1 इक्वल टू 0। बड़ी सिंपल लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे देखिए। मैं यहाँ बोर्ड पे कर रहा हूँ, 10 माइनस 2i1 माइनस 4i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 0। i1 पहले लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 6i1 माइनस 4i2 इक्वल टू है माइनस का 10, माइनस कॉमन ले लो, 6i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 10। ये आएगी इक्वेशन नंबर आपकी 1। इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। कितना होगा देखें जरा, 20 माइनस 2i2 माइनस 4i2 माइनस 4i1 इक्वल टू में 0। यहाँ पर i1 पहले लिखना है, तो माइनस 4i1 कितना हो जाएगा? ये माइनस 6i2 इक्वल टू में माइनस 20। फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4i1 प्लस 6i2 इक्वल टू में 20। एक बार आप लोग भी देखो इसको करके, सही है कहीं गड़बड़ तो नहीं है? जल्दी से हो गया, जल्दी से उतार लीजिए इसको। जी सर हो गया, हो गया। ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो हम कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे, ठीक है? ये कैलकुलेटर है अपने पास। इस कैलकुलेटर में सबसे पहले अपन एक बार मोड दबाएंगे, दूसरी बार मोड दबाएंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले ये बताइए। सर नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर, क्या बोले? दिख रहा है करने जी, साफ साफ प्रेस करने। ये कैलकुलेटर दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। हाँ चलिए, अब देखिए, एक बार मोड, दूसरी बार मोड, तीसरी बार मोड। तीसरी बार जब हमने मोड दबाया कैलकुलेटर में, तो लिखा हुआ आ रहा है इक्वेशन मैट्रिक्स एंड वेक्टर। तो इक्वेशन के नीचे लिखा है 1, तो हम 1 प्रेस करेंगे, ठीक। अब 1 प्रेस करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है अननोन 2 और 3। तो यहाँ अननोन कितने हैं? 2 है हमारे पास, i1 एंड i2। तो हम यहाँ 2 प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है a1, ठीक है। तो मैं पहले बोर्ड पे बता देता हूँ कौन सा a1 है, b1 है और c1 है। देखिए इधर बोर्ड पे ये जो चीज है, ये a1 है, ये b1 है, बराबर के इधर c1 है। ये वैल्यू होगी b2, ये वैल्यू होगी b2 और ये वैल्यू होगी c2। अब a1 देखो बोर्ड पे, आप लोग को दिख रहा होगा a1 कितना है। a1 4y 6,
A1 कितना है? 6. B1 कितना है? B1 देखो, B1 के ऊपर कितना लिखा है? 4. बिल्कुल सही. तो B1 की जगह पर लिखेंगे 4. फिर इक्वल टू दबाया. C1 देखो, C1 कितना दिया हुआ है? 10. कितना निकाला हमने? 10. हाँ ठीक है. अब A2 की बात करी तो A2 देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4. बिल्कुल सही. फिर B2 देखो कितना दिया है? B2. B2 के ऊपर कितनी वैल्यू लिखी है? 6. बहुत बढ़िया. फिर C2 की वैल्यू देखो कितनी? 20. हमने 20 लिख दिया. अब वो इस पे देखो कैलकुलेटर पे, ये 20 लिखा. अब आपने इक्वल टू दबाया तो x बराबर आ रहा है देखो -1 और y बराबर आएगा आपका 4. ठीक. क्वेश्चन में यहाँ जब हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो x बराबर -1 और y बराबर आ रहा है 4. -4 आएगा ना सर. लगाई हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर था तो हमने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लिया. A1 6, B1 4, C1 10, A2 4, B2 6, C2 20 इक्वल टू दबाया तो x बराबर -1 और y बराबर आ गया 4. जो x बराबर है वो कहलाता है अपना I1, तो y बराबर जो होता है वो कहलाता है अपना I. तो ये कैलकुलेटर आप लोग अगर ले लोगे तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो. एक बार फिर बता सकते हैं सर? हाँ बोलिए सर. कैलकुलेटर से कैसे किए हैं सर, एक बार बता सकते हैं? बेटा आपके पास कैलकुलेटर है क्या? जी सर है. 991 MS कैलकुलेटर है क्या? अपने का वाला है. जी सर. जी सर. कुछ नहीं करना. देखो ये कैलकुलेटर है. इस कैलकुलेटर में एक बार मोड दबाओ, दूसरी बार दबाओ, तीसरी बार दबाओ. जब आप तीन बार मोड दबाओगे तो ऐसा लिखा हुआ आएगा, इक्वेशन मैट्रिक्स एंड वेक्टर. तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके नीचे हम 1 लिखेंगे. सर मेरे में नहीं आ रहा है सर. जी बेटा मेरे में नहीं आ रहा है सर. मेरे में एसडी रीचार्ज. सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास मेरा क्या था? आपके कैलकुलेटर है आपके पास? आपने बोला हाँ. दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बोला क्या जो मॉडल मेरे पास कोई मॉडल है आपके पास? तो आपने बोला यस. जबकि आपके पास 881 मॉडल होगा. देखो मॉडल नंबर कौन सा लिखा है उसमें? सर एफएक्स है सर. एफएक्स 991 एमएस. हाँ नाइन एफएक्स 991 एमएस है क्या? यस सर. हाँ मेरे पास एफएक्स 91 है. वो कैलकुलेटर लोअर उसका है, ग्रेड का है, इसलिए उसमें इक्वेशन नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है. ठीक है सर. तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा सर. आप पर्सनल पे मुझे उसका फोटो भेजना कैलकुलेटर का, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. ठीक है पर्सनल सर. मेरे पास ये वाला है. जी सर. जी सर. हाँ ये ES मॉडल एग्जाम में अलाउ नहीं है बेटा. ES मॉडल कैलकुलेटर ये ES मॉडल का है, ये एग्जाम में अलाउ नहीं है. ये कैलकुलेटर बाहर हो जाए. MS मॉडल के कैलकुलेटर अपन को लेना है. आज मैं फिर अभी मॉडल नंबर डाल दूंगा तो वो मॉडल नंबर का कैलकुलेटर आप लोग परचेस कर लें, क्योंकि आज हायर सेक्टर में भी फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ और सिक्स में भी वो कैलकुलेटर आपको लगेगा. चलिए एग्जाम में अलाउ है ना? कौन सा ये कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है ना? कौन सा? हाँ कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ है, लेकिन एमएस मॉडल का, ईएस मॉडल का नहीं. ये मैं बोल रहा हूँ. यस सर. चलिए ये करंट निकल गई. अब दूसरा केस हमारा देखते हैं. फर्स्ट केस तो क्लियर हो गया जिसमें हमने करंट निकाली I1 की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4. लिख लेते हैं यहाँ पर I1 is equal to -1 एंड I2 is equal to कितना था? 4. ये था हमारी मैथ एनालिसिस मेथड, या जिसे हम कहते थे KVL मेथड. तो एग्जाम में ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन आता है तो आपको जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करना. अब हम बात करते हैं KCL मेथड. KCL मेथड बोल लो या नोडल एनालिसिस मेथड बोल लो, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. इसमें हम क्या करते हैं, इस नोड का वोल्टेज निकालते हैं. तो आपको हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में करंट नहीं बोले, बोले आपको इस नोड का वोल्टेज निकालो, ये नोड का. तो वो कैसे निकालते हैं बनाइए आप लोग जल्दी से. इक्वेशन बनाओ नोड वोल्टेज की कैसे बनेगी, नोडल एनालिसिस मेथड से बनाओ जल्दी से. सर मैंने कैलकुलेटर की पिक आपको सेंड कर दी सर. हाँ अभी बाद में अपन उसकी डिस्कस करते हैं बेटा, क्लास के बाद है ना. अभी ये नोड वोल्ट इक्वेशन बनाओ जल्दी से. नोड इक्वेशन बनाओ कितनी है, पुरानी कॉपी में देखो आप लोग.
इक्वेशन बनाओ जल्दी फटाफट आप लोग। सभी स्टूडेंट्स को पास होना है मिडसेम में, कोई भी फेल नहीं होगा, इसलिए मेहनत कर लो। ओके, अगर जीरो नंबर आएंगे तो मैं जीरो ही भेजूंगा, उसमें चेंजेस नहीं करूंगा। रोल नंबर 56 प्रीतम चतुर, रोल नंबर 56 प्रीतम चतुर्वेदी, रोल नंबर 56 रोल नंबर 56 नहीं है, ठीक है, हो गया। इक्वेशन बताओ एनीवन, कोई मुझे बताए इसमें नोडल की इक्वेशन क्या होगी, कोई भी एक बता दे। इस नोड से वोल्टेज इक्वेशन बनाना है नोडल मेथड, बताइए सर। Vm n Va minus 10 upon Va minus 10 upon 2 plus इधर गए तो 20 Vb Vb minus Va minus Vb नहीं Va minus 20 upon 2 इधर नीचे आएंगे तो हम लिखेंगे Va upon 2 sorry equal to 0। इसमें करते क्या है देखो, नोडल में जिस नोड पर हमें वोल्टेज निकालना होता है उस वोल्टेज से स्टार्ट करते हैं चलना, तो उधर से इधर आएंगे इस ब्रांच में जाएंगे और इधर जाएंगे। जब आप उधर से इधर आ रहे हो तो पहले पॉजिटिव पावर आया और नीचे निगेटिव है, तो पॉजिटिव पावर आया तो हम वैल्यू निगेटिव में लिखते हैं, तो बी ए माइनस टेन अपॉन टू बी ए अपॉन फोर ये वाला, और बी ए माइनस ट्वेंटी अपॉन टू मैंने लिख दिया। इसका एलसीएम कितना आएगा मैं बताएगा मुझे, एलसीएम और अब इसके बाद आगे इसको सॉल्व करें, 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 भी है माइनस 20 20 बिल्कुल सही प्लस 2 भी है माइनस 20 वही होगा ये माइनस 40 प्लस VA इक्वल टू 0 यस 0 ये 4 कैंसिल हो गया। VA देखो कितना आया, 2 VA के लिए 2 VA ये और 1 VA कितना हो गया टोटल 5 VA इक्वल टू कितना आएगा 60 कैसे, यहां माइनस 20 है ये माइनस 40 है, प्लस करेंगे तो माइनस 50 ऊपर जाएगा, तो बी ए बराबर कितना आ गया 60 बार 5 नहीं 12 हो जाएगा 12 आएगा सर 12 आएगा ठीक है यस सर। हां अब आपको कभी-कभार एग्जाम में दो चीजें पूछता है, या तो ये नोड वोल्टेज पूछेगा कि नोड वोल्टेज बताओ, इसी नाम से आ जाएगा कि नोड वोल्टेज फाइंड कर, तो नोड वोल्टेज फाइंड कर लिया, इसको बना लो जल्दी से। आप सभी को मैं बार बार बोल रहा हूँ बी ट्रिपल ई ही रुकेगा इस सेमेस्टर में, बाकी कोई भी सब्जेक्ट के रुकने के बहुत कम चांस हैं, बाकी बी ट्रिपल ई ही एग्जाम में बेक होगा, इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस देखा किसी ने एनीवन, मैंने सेंड किया था, किसी ने खोल के देखा सिलेबस? यस सर। हाँ जी सर, बहुत बड़ा है सिलेबस, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन भी है, मोटर भी है, जनरेटर भी है, ट्रांसफार्मर भी है, एसी डीसी ट्रांसड्यूसर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अर्थिंग, बहुत सारी सिलेबस है, कम से कम ऑफलाइन एग्जाम होगा बहुत ज्यादा। क्या कह रहा बेटा सर, ऑफलाइन एग्जाम होगा इसका? हाँ ऑफलाइन भी चल रही है क्लास दोनों, ऑफलाइन एग्जाम होगा क्या एग्जाम ऑफलाइन होगा
सर एग्जाम हेलो सर क्लास हेलो सर हाँ बोलिए हेलो सर क्लास हाँ सर वो क्लियर हो गया हाँ ठीक है अब बोलो क्या बोल रहे हैं सर बोल रहे थे जी मतलब सर 15 से क्लास स्टार्ट होने वाले थे ऑफलाइन अभी तक नहीं हुआ किसने बोला कि नहीं हुआ ऑफलाइन क्लास 15 से बोल रहे थे मिड सेम के एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई ठीक है ओके सर हाँ पाली जा जाओ आप क्लास लग रही है ठीक है सर आ रहे हैं हम भी तबीयत भी खराब है ना वही इसलिए नहीं आ रहा है सर्दी खांसी हो गई इसलिए नहीं आ रहे ठीक हो जाएगी तो आएंगे करना बेटा ये सर आज कितने बाद में बताना अभी पढ़ाने दे क्या बोल रहा बेटा फिर कैसे पूछो सर स्टूडेंट्स आ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में अभी आना शुरू हो गए हैं आप लोग भी आ जाओ लोकल भोपाल में हो तो बिल्कुल आओ क्लास अटेंड करो क्योंकि जो ऑफलाइन में मजा है वो ऑनलाइन में नहीं है ऑनलाइन में बहुत सी चीजें क्लियर नहीं होंगी आप लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो ठीक है ओके लेकिन कॉपी कंप्लीट करके ही आना जब भी आओगे तो पूरी क्लास के कॉपी कंप्लीट करना उसके बाद ही आना लेक्चर नोट्स ले लो आप लोग पूरे जितने भी लेक्चर नोट्स हैं कंप्लीट कर लो चलो ये बुक का हो गया कंप्लीट आगे चले 17 मिनट लगाई थी ना मेरे का हां 17 लेक्चर का बिल्कुल चलिए अब ये बीए आ गया बीए की वैल्यू आपको निकालनी है अब हमको एग्जाम में पूछता है करंट सर्किट में करंट फाइंड करना है तो करंट इस ब्रांच में निकालते हैं इस ब्रांच में निकलेगी और इस ब्रांच में निकलेगी तो अगर मैं इस टू में करंट निकालूं इस टू में करंट तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा V अपॉन R हम लिखेंगे VA माइनस 10 अपॉन 2 VA माइनस 10 अपॉन 2 VA कितना है आपका 12 VA की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाली थी अभी देखा था 12 अपॉन 2 2 1 ये यहां कितना आ जाएगा अपना सर इसमें आएगा इस टू में अगर करंट निकालना है इस टू में करंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है एट सर माइनस का 2 आएगा हां देखते हैं va माइनस 20 बाय 2 va की वैल्यू कितनी है 12 सर माइनस का 20 12 2 होगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाय कितना होगा माइनस का 2 हां 4 देखो सही है क्या जी सर तो क्वेश्चन देख लेना एग्जाम में कैसे आ रहे हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन में मैंने दिया था स्टार कनेक्टेड एंड डेल्टा कनेक्टेड का डेरिवेशन विद फेजर डायग्राम तो लेक्चर नंबर 15 और लेक्चर नंबर 16 पूरा बहुत अच्छे से देखो उसमें मैंने बताया है उसकी वीडियो लेक्चर्स देखो आपको मिल जाएंगी उसमें पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे लेक्चर नंबर 16 एंड लेक्चर नंबर 15 जो टेस्ट में दिया था जितने भी स्टूडेंट थे सभी को टेस्ट देना कंपलसरी था और अभी भी टाइम है आप लोग पूरा कंप्लीट करके अपलोड कर दो और परसों आप लोगों का टेस्ट है सबको टेस्ट देना है वो टेस्ट दे रहा हूं मिड सेम का एग्जाम जो परसों है दो मिनट क्लास खत्म हो गई अब ठीक है चलिए हेलो सर चले गए हाँ सर चले गए हाँ पटेल मेराज भाई हाँ बोल हाँ बोलो मेराज भाई लोग क्या लो हाँ बोलो बढ़िया पर तू बीमारी रहता है बे हर रात हर दम क्या कर रहे सब कोरोना हो गया ठीक है कोरोना हो गया सर क्या करता है यार तू पूरा दिन अब
वसीम वसीम हाँ मेरा कब जाता री हाँ बोल ना कब जाता री चार तारीख जाते नहीं चल चल ना घर बिहारी आओ तो नहीं तो पीछे पीछे चलते कब आते रही थी सुबह चार पांच में हम चले छह तारीख के पांच तारीख हम पहुंच जाए मैं छह से क्लास अटेंड करे बस आप फाड़ दे क्लास के ठीक है कभी तो कुछ फाड़ा भी है कि नहीं टेलवा के तो वो फाड़े आ के दाज मार लिए ओकरा बाद आना तू ना अजमा लिए लगा ले ना जितना दम हो तेरे पीछे साइड आगे से जो पटेल पटेल भाई अभी क्लास थोड़ी करेंगे दो महीना बाद करेंगे ना क्लास पटेल तो निकलेगा क्लास में स्टूडेंट बनने वाला बा पटेल हाँ हेलो साला बताइयो तो ये एग्जाम एग्जाम है मिडसम के एग्जाम में नहीं बताइए भाई अभी आऊंगा ही नहीं मैं दो महीने तक नहीं आऊंगा कॉलेज अरे थोड़ा प्रॉब्लम चल रही इधर ऑपरेशन करवाना है मम्मी का भोपाल आऊंगा फिर उधर ही करवाऊंगा बाकी आऊंगा नहीं क्लास में तेरे पापा जी कोई बोल दिया पापा है वे पर पापा भी आएंगे ना फिर मुझे भी रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में क्या करूं मैं तू क्या करेगा वहां पे धनिया बेचेगा पुदीना बेचेगा लाइन मारूंगा नर्सों को देख लेना आज चल बकचोदी ढेर हो गई चार तारीख हम चल देनी मेरा पांच छह के आज उठी बाबरा बाद चल क्लास यार मन तू ना रहो तो मन ना लगे आओ तो नहीं हम जा राजू भी उधरी है मिश्रा हो जाए यार सब दनिषा कौशिक भैया ते हो जाइबे पटेल सब आओ सब तब मजा आई क्लास में क्लास करूंगा मजा आई कशपत चलिए गइल बटे हां और सब चल गइल बाड़ा दनिषो चल गइल बा दनिष चला गया दनिष वही पे दनिष पहुंच चला गया काशी भी सब जितना बाड़ा सन सिविल वाला इथि यार ल वो चल गइल बाड़ा सन अमीरा अमीरा सब चल गिल बाड़ा था ना अमीरो चल गिल बा मैं अपने भी सिविल में रहना चाहिए था काहे सिविल में साले जल्दी कोई नहीं सा अरे यो सही बात है ये भी ब्रांच भी है सिविल में बहुत अच्छा है थोड़ा अरे सबसे बढ़िया ये है बस इसमें लास्ट में चूज करना पड़ेगा ना क्या चीज से लेना चाहते हो मैकेनिकल मतलब उस वक्त देखा जाएगा किसमें पैसा है स्कोप देखा जाएगा उसमें पैसा कहाँ पे है साकी, पैसा साकी, तो बैंक लूटने में बहुत ज्यादा है रे रहने दे भाई वसीम हां साकी बेगो ना रलो हमारे साथ में गांव के हां हां वो आओ तो मैकेनिकल में चेंज करा के मैकेनिकल में आता है बढ़िया बा भाई रे मैकेनिकल के एवरेजन तड़ी पैसा बहुत बा तू खाली अगर ओकर इति देख लेला नु मतलब कौन इति से बात है ऐसे मैकेनिकल में बहुत सारा ब्रांच है अरे पैसा बहुत है मेरे भैया है ना इंजीनियरिंग मैकेनिकल से किए थे सिविल से बात है तो सिविल से हम फूफू का लड़का भाई 1,10,000 के सैलरी उठा होता ए वसीम माल का नंबर देना तेरे ना भांसड़ी के एक भी नहीं ऐसा हाला कहीं के एक होते अपन दे ना भाई कौन से टाइम पास रितिमा से बात किया कि नहीं किया अरे एक दिन किए मैसेज करता है कभी कभार हेलो हेलो